दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा लक्ष्मी माता के जन्मदिन के तौर पर मनाई जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 13 अक्टूबर यानी रविवार यानी आज है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए यह दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। इस अवसर माँ लक्ष्मी को प्रिय इन 5 वस्तुओं का भोग लगाने और इसे प्रसाद स्वरूप बांटने व स्वयं खाने से धन समृद्धि और वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं ये कौन सी है 5 वस्तुएं। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद आप मखाने का भोग लगा सकते हैं। मखाने का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा को देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है। साथ ही इस दिन श्री सूत का पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप भोग में बतासे का भी प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि जागरण में आप बतासे का भोग लगाकर हर दिन किसी को दे सकते हैं। बतासे का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए दिवाली के दिन बतासे और चीनी के खिलौने माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मखाने और चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं। बताया जाता है कि इस खीर में चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं, इससे कई रोग दूर होते हैं। हिंदू धर्म के पूजा पाठ से जुड़े कार्यों में पान का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। पान को प्रसन्नता का कारक माना जाता है। पूजा में पान पर सुपारी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप उनकी पूजा में पान का प्रयोग कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को जो वस्तुएं प्रिय है उनमें से एक दही भी है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को गाय के दूध से बने दही का भी भोग लगा सकते हैं, फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांट दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। दोस्तों, ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।